नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट मार्बल वगैरह उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। जोर शोर से गिरिडीह में चल रही है मुख्यमंत्री की आगमन की तैयारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में की गई बैठक, बनाई गई योजना। इधर डीसी ऑफिस में भी उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर अधिकारियों को दी गई अहम जिम्मेदारियां। राजधनवार में स्कूल वैन पलटने से एक बच्ची हुई घायल, इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। तीसरी पुलिस ने दो मारपीट और शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद सिविल कोर्ट में किया पेश, दोनों को भेजा जेल। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में कंप्यूटर चलंत लैब का हुआ उद्घाटन, एकल ग्रामोद्यान फाउंडेशन के सहयोग से चलंत लैब का होगा संचालन। विद्यालय के निदेशक व अन्य प्रमुख लोगों ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना। और 32 बच्चों के दल ने की पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई, 1365 मीटर पर पहुंच कर लिया इलाके का जायजा। जैन धर्म के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर भी इकट्ठा की जानकारियां। और अब खबर विस्तार से। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर सोमवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद पांडे एवं फागु बेसरा व विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। बताया गया कि खतियानी जोहार यात्रा को लेकर 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गिरिडीह जिला सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक में बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान कई लोगों को तैयारियों से संबंधित कार्य सौंपे गए। इस बाबत बताया गया कि खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री गिरिडीह में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे और कई निर्देश भी देंगे। इस बाबत केंद्र समिति के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि राज्य के 24 जिलों में मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री का आगमन कोडरमा जिले में और 18 जनवरी को गिरिडीह में होने जा रहा है। इसको लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया गया और कई आवश्यक कार्यभार भी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पार्टी के संकल्प मंत्र को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने का काम कर रही है। बैठक में अजीत कुमार पप्पू, महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, रॉकी सिंह, सुमित कुमार, प्रदोष कुमार, गौरव कुमार, अभय सिंह, प्रमिला मेहरा, सोनी चौरसिया, गीता हाजरा, आशमा खातून समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित गिरिडीह आगमन की तैयारियों को लेकर सोमवार को डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और बीडीओ सीओ शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन पशुधन विकास योजना, स्वजन पेंशन, केसीसी, सुखाड़ राहत, छात्रवृत्ति, मनरेगा, राजस्व कोर्ट द्वारा वाद का निष्पादन एवं नामांतरित वाद निष्पादन समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राजधानी
देवनार थाना क्षेत्र के झगरीडी निवासी रविंद्र कुमार के 6 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी की मौत सोमवार को स्कूल वैन पलट जाने से हो गई। सोमवार को मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रिया कुमारी घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर बुधवा डे स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। सोमवार को स्कूल जाने के क्रम में स्कूल की वैन पलट गई, जिसके कारण रिया कुमारी को गंभीर चोटें आई। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। क्या हुआ था सर? स्कूल जा रहा था, अचानक सुने कि हम लोग घर में थे, अचानक सुने कि पलटी किया गाड़ी, उसमें 2-4 बच्चा वो भी था, किसी किसी हल्का फुल्का लगा है। स्पॉट डेथ हो गया था या सर? हॉस्पिटल जाने के क्रम में डॉक्टर बताया सर, डॉक्टर बोला मृत हो गया। हाँ सर। कहाँ पे घटना हुआ ये? सर बुधवा डे, हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर। बुधवा डे। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोविड व मेडिकल जांच के बाद सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। बाद में दोनों को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। पहला आरोपी मंजला डी निवासी चुरामन मातो है, जबकि दूसरा आरोपी बिहार के चरका पत्थर निवासी सकल देव साव है। बताया गया कि बीते दिनों मंजला डी में हुए मारपीट के मामले में 50 वर्षीय चुरामन मातो को कांड संख्या 2/2023 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि दूसरा आरोपी बिहार के चरका पत्थर निवासी सकल देव साव को पल्सर बाइक से 375 ml की 2 पेटी में 48 बोतल इंपीरियल ब्लू शराब ले जाते पुलिस ने तीसरी गांव मुख्य सड़क स्थित मचनिया टाण से पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 4/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही अभियुक्त का बाइक भी जब्त किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। बेगाबाद रोड की सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में सोमवार को कंप्यूटर चलंत लैब का उद्घाटन हुआ। इस लैब को स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के सदस्य प्रदीप जैन, अरुण जैन और अरुण शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान चलंत कंप्यूटर लैब के IT कौशल प्रभारी राजदीप, GRC प्रमुख मृत्युंजय कुमार, ग्राम समन्वयक अजीत कुमार, कंप्यूटर प्रशिक्षक आशुतोष और सौरभ समेत कई प्रशिक्षक मौजूद थे। इस बाबत स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन और सलूजा गोल्ड के ज्वाइंट अभियान का मकसद ग्रामीण युवाओं को नौकरी के लिए पलायन करने की जरूरत नहीं, बल्कि कंप्यूटर ज्ञान हासिल कर एक एक युवा प्राइवेट और सरकारी स्तर पर मिलने वाले अनुबंध नौकरी से खुद को जोड़ सके। इसके लिए सलूजा गोल्ड स्कूल प्रबंधन कंप्यूटर के दक्ष प्रशिक्षक के माध्यम से युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ रहा है। इतना ही नहीं, सोमवार से शुरू हुआ एकल कंप्यूटर चलंत लैब के इस बस में वो सारी सुविधाएं हैं जो युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी दे सके, और अब ये चलंत लैब जिले के हर गांव तक पहुंचेगा। गिरिडीह करबला रोड के अली लर्नर कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पारसनाथ पर्वत क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान 32 बच्चों का दल 1365 मीटर पहाड़ के आखिरी छोर तक पहुंचा। मौके पर बच्चों ने जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र के बारे में जानकारियां इकट्ठा की। बताया गया कि पारसनाथ पर्वत बिहार झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और जैन धर्म विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बच्चे बस के माध्यम से मधुबन तक गए और ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई की। इस दौरान पर्यावरण से संबंधित कई जानकारियां भी इन्हें दी गई। मौके पर कोचिंग सेंटर के संचालिका रिक्की गुप्ता व बिक्की गुप्ता मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। Thank you.
जिला स्तरीय स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को हुट्टी बाजार के समीप डीपीआरसी भवन गिरिडीह में किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला खेल पदाधिकारी के साथ जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव राजेंद्र गुप्ता, जिला कुश्ती संघ के सचिव युगल किशोर महतो, बैडमिंटन कोच मुकेश कुमार, फुटबॉल कोच अजय सुभाष तिर्की एवं प्रतिनियुक्त शारीरिक शिक्षक उपस्थित थे। विदित हो कि इस स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता में नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस खेल संघ और विभिन्न विद्यालय से आए खिलाड़ी और छात्रों ने भाग लिया। इस स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता में प्रेमजीत सक्सेना ने प्रथम, आयुष राज ने द्वितीय और प्रमिला कुमारी हांसदा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 10 से 12 जनवरी में आयोजित राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर के प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय रांची झारखण्ड द्वारा कैश अवार्ड, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। गांडी प्रखंड के अहिल्यापुर स्थित मध्य विद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के बच्चों के बीच पोशाक किट के साथ जूते व स्वेटर का वितरण किया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 एवं 2 समेत भलपहरी फतेहपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। मौके पर मुखिया पंचम देवी ने कहा कि सरकार द्वारा आम जनता को देने वाले तमाम सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है, यह सरकार की बेहतर पहल है। कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पोशाक, पुस्तक समेत अन्य सुविधाएं देकर बच्चों को प्रेरित कर रही है। मौके पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सानंद गौरव, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पिंटू हाजरा, सेविका सुचिता कुमारी व सुमित्रा देवी, शिक्षक वीरेंद्र कुमार, समाज सेवी सह सेवानिवृत्त शिक्षक गुजा हाजरा, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार, सुखलाल दास, सहायक अध्यापिका अंजना सिन्हा, दशरथ राम, मिक्कू सिंह, राजेश दास, मोहन साव, संजय मोदी सहित कई अन्य उपस्थित थे। वी मार्ट के सामने स्थित महिलाओं व युवतियों की पसंदीदा 20 वर्ष पुरानी दुल्हन श्रृंगार की नई शॉप कालीबाड़ी चौक में ही खुल गई है। इस नई शॉप में कॉस्मेटिक आइटम्स के बेस्ट ब्रांड लैक्मे, लूटस शुगर, ममाअर्थ, वीएलसीसी, बायोटेक, मेबेलिन के उत्पाद उपलब्ध हैं। यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, जैसे मेटल चूड़ी, ब्राइडल चूड़ी, पार्टीवेयर चूड़ी, डेली वेयर चूड़ी, लहटी, फोटो वाला चूड़ा, ओरिजिनल शंखा व पोला वगैरह मिलता है। इसके साथ ही श्रृंगार बॉक्स, मेकअप बैग, डिजाइनर सिंदूर का किया, वरमाला थाली, एंगेजमेंट थाली भी उपलब्ध है। इसके अलावा सिटी गोल्ड ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, पार्टीवेयर पर्स, हैंड पर्स, कॉलेज पर्स, साइड पर्स, वॉलेट, ब्रेसलेट वगैरह उपलब्ध है। यहाँ शादी विवाह, पार्टी, त्योहार के लिए बहुत ही विशेष श्रृंगार प्रसाधन उचित मूल्य पर मिलता है। पता याद रखें, दुल्हन श्रृंगार कालीबाड़ी चौक गिरिडीह। छात्र कृपया ध्यान दें, अगर आप 11th 12th या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स का ट्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। बक्सरी रोड के खालसा लॉज के निकट स्थित इस इंस्टीट्यूट में दिल्ली और पटना का अनुभव लिए निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा बहुत ही सहज तरीके से गणित पढ़ाया जाता है। अरविंद कुमार के द्वारा पढ़ाए गए 1200 से ज्यादा छात्र जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और वे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। आप भी सफल हो सकते हैं। 11th 12th व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करवाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या इंस्टीट्यूट में विजिट करें। पता नोट कर लें, गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, काली भवन, खालसा लॉज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। ग्रामीण जलापूर्ति योजना SPS के तहत निविदा को लेकर सोमवार को निस क्लस्टर का हार्ड कॉपी संवेदकों ने हुट्टी बाजार के समीप पेयजल एवं स्वच्छता पर मंडल संख्या 2 में जमा किया। बताया गया कि इस निविदा के माध्यम से गिरिडीह, पीरताड़ और राजधनवार प्रखंडों में एकल ग्रामीण जलापूर्ति
योजना का कार्य होगा। इस बाबत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक टेंडर को लेकर हार्ड कॉपी ड्राफ्ट किया गया है, जिसके बाद इसका सीएस तैयार किया जाएगा और मुख्यालय को भेजा जाएगा। आज एसबीएस का 19 क्लस्टर का हमारे यहाँ अंतिम दिन है और सभी को हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं। 10 बजे से 4 बजे तक हार्ड कॉपी जमा होगा और 19 क्लस्टर जो लगभग 10 करोड़ से नीचे का जो एक योजना होता है और 5 करोड़ से ऊपर का है, तो आज अंतिम दिन है और सभी को अपना हार्ड कॉपी जमा। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया। यहां जिले भर से पहुंचे दिव्यांगों के दिव्यांगता प्रतिशत की जांच की गई। वहीं पिछले कैंप में जांच करवाए लोगों को दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र दिया गया। बताया गया कि दिव्यांगों को सरकारी लाभ मिल सके इसके लिए इनकी जांच की जा रही है। मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर फजल अहमद और वीरेंद्र यादव अपनी टीम के साथ मौजूद थे। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की बैठक अंबेडकर भवन में की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ज्योतिन्द्र प्रसाद व संचालन जिला सचिव उमा चरण दास ने किया। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कई तरह की सहमति बनी। इस दौरान कहा गया कि चुनाव के पहले राज्य के सभी विक्रेताओं से मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही राज्य के डीलरों को मानदेय से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन सरकार के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हम लोगों को मानदेय मिलना शुरू नहीं हुआ है। बैठक के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि राज्य सरकार द्वारा उम्र की सीमा को खत्म करते हुए अनुकंपा वाली नीति पुनः बहाल करने, डीलरों की 2021 का माह नवंबर और दिसंबर का एवं 2022 का जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे अभिलंब देने, वर्ष 2021 में डीलरों द्वारा जूट का बोरा जो लिया गया था उसका मूल्यांकन करते हुए शीघ्र भुगतान करने समेत अन्य बिंदुओं पर सरकार से पूरा की मांग की गई है। इस बाबत जिला सचिव उमा चरण दास ने बताया कि सभी डीलरों के पास विभिन्न समस्या है जिसका निराकरण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी डीलर अफसर और प्रशासन से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। मौके पर सभी प्रखंडों के डीलर मौजूद थे। समूचा जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक बैठक थी और इतनी सारी समस्याएं हैं डीलरों की जो अनगिनत है। हमारे अध्यक्ष ज्योतिन्द्र प्रसाद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और चूँकि उनको एक ज़रूरी मीटिंग में जानी थी चले गए। उसके बाद मैं जिला सचिव उमा चरण दास मीटिंग का संचालन किया। पहला मुद्दा जो है हम लोगों का कि जो अभी 23 में हम लोगों के द्वारा फ्री राशन बंटवाया जाएगा जिसके लिए हमारे कमीशन का भी कोई डिसाइड नहीं किया है, पहला। दूसरा है कि हम लोग, दूसरी बात है, हम लोग का बहुत सारा पैसा बकाया है। एक साल से हम लोग को फ्री खटवा लिया, पैसा नहीं दिया, अभी 4 महीना का पैसा भेजा है, ये क्या होगा ये। उसके बाद हम लोग से बोरा लिया गया कि बोरा आप लोग दीजिए, चावल भरा के आवेगा, बोरा सब दुकान से तहसील के ले गया और बोरा का अभी तक पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार इसको पैसा बोरा का दे दिया, ये सब खा लिया, सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। थाना पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक के साथ आरोपी सफाउल अंसारी को गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया। सफाउल बेंगाबाद मंजूरी पंचायत के मंडरडी गांव का रहने वाला है। यह बाइक का गैराज चलाता है। बताया जाता है कि
2 जनवरी को गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र से एक बाइक की चोरी हुई थी। बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर मंदिर डी के बाइक गैराज में छापा मारा और चोरी के बाइक सहित आरोपी को धर दबोचा गया। मौके पर पुलिस ने गैराज से चोरी के पार्ट्स भी बरामद किया है। इस सिलसिले में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 7/2023 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें सफाउल अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। लगातार तीसरे दिन भी सोमवार को गिरिडीह के अधिवक्ता सवल कोर्ट में न्यायिक कार्यों से अपने को दूर रखा। मालूम हो कि बढ़ी हुई कोर्ट फीस की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार से ही अधिवक्ता अपने को न्यायिक कार्यों से दूर रखकर सरकार द्वारा बढ़ाए गए कोर्ट फीस वापस करने की मांग कर रही है। रविवार को स्टेट बार काउंसिल ने राज्य भर के सभी जिला और अनुमंडल इकाई के अध्यक्ष और महासचिव को इस बैठक में आमंत्रित किया था ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके, जिसके बाद बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि राज्य के महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और स्टेट बार काउंसिल को बगैर विश्वास में लिए अपने तरफ से अखबार में कुछ घोषणा करा दी। बैठक में यह तय हुआ कि सरकार अगर चाहती है कि अधिवक्ता अपने काम पर लौट जाए तो मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जिन चीजों की घोषणा की उसकी जानकारी अधिवक्ताओं को संघ के माध्यम से दी जाए। लिहाजा संघ ने सरकार को अगले 2 दिनों का वक्त और दिया है और वे संदर्भ में संघ के साथ वार्ता कर वस्तु स्थिति स्पष्ट करें। इस बाबत जिला बार एसोसिएशन के सचिव चिन्हकांत ने कहा कि सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए गए उसका स्वागत है, लेकिन सरकार का तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि बढ़ाए गए कोर्ट फीस की वापसी को लेकर सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। मौके पर अधिवक्ता बबन खान, सचिदानंद प्रसाद, सरवन मंडल, भुवनेश्वर मेहता, शशांक शेखर, संदीप गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, कोर्ट फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, कोर्ट फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जिस तरह से एडवोकेट जनरल ने उसमें राजनीति कर दी, अधिवक्ता और सरकार के बीच जो दीवार बनने का काम किया, उससे राज्य भर के अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है। हम लोगों ने कल हमारी जो बैठक थी राज्य मुख्यालय में, वहाँ हम लोगों ने कहा कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो तरीका है सरकार को घोषणा करने का, हमारा उससे अंतर विरोध है। हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्थागत इकाई है उसको बुला करके मुख्यमंत्री उनके सामने घोषणा करें। हमारा रीट लंबित है, सरकार उसमें अपना शपथ पत्र दायर करे जिन घोषणा को सरकार ने किया है कि हम कोई केवल अधिवक्ता के लिए नहीं लड़ रहे। अधिवक्ता के लिए हमने मांगा कि भाई आप हमारा गृह बीमा कराओ, आप भी सहमत। हमने कहा कि आप हमारे वेलफेयर के लिए कुछ बजट में प्रोविजन करो, हमने ज़रूर कहा है। हमने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, APPPP की बहाली करो अधिवक्ता पैनल से। ये कौन सी गलत मांग हम लोग कर रहे हैं भाई? आज आप सरकार के नुमाइंदों से ये काम करा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ सीजन्ड वकील अगर काम करेंगे तो उनको जो उनका अनुभव है उससे तो जो अभियोजन को लाभ मिलेगा। साथ साथ जो लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, उनको पेशेवर थोड़ी अवसर मिलेगी। इसलिए सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप APP और PP की बहाली अधिवक्ता पैनल से करें। और मुख्यमंत्री हम स्वागत करते हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही लेकिन वो अखबार में है। हम चाहते हैं कि उसको जो उसका उचित मंच है, जो उसका उचित फोरम है, वहां आकर के मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, वहां अवगत कराएं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जोर शोर से गिरिडीह में चल रही है मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में की गई बैठक, बनाई गई योजना। इधर DC ऑफिस में भी उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर अधिकारियों को दी गई अहम जिम्मेदारियां। राजधनवार में स्कूल वैन पलटने से एक बच्ची हुई घायल, इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। तीसरी पुलिस ने 2 मारपीट और शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद सिविल कोर्ट में किया पेश, दोनों को भेजा जेल। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में कंप्यूटर चलंत लैब का हुआ उद्घाटन। कल ग्रामोद्यान फाउंडेशन के सहयोग से चलंत लैब का होगा संचालन।
विद्यालय के निदेशक व अन्य प्रमुख लोगों ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना और 32 बच्चों के दल ने की पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई। 1365 मीटर पर पहुँच कर लिया इलाके का जायजा। जैन धर्म के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर भी इकट्ठा की जानकारियां। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।